हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। आज सुबह सुबह सबको खाना पीना बना करके दे तो दिया था, लेकिन क्या करें, फिर से बारिश आ गई और सारा काम फिर से इस तरीके से ही फैल जाता है। जिस तरीके मतलब सुबह करते हैं इस तरीके से, फिर बाद में दोबारा भी करना पड़ता है। और अब मैंने कपड़े दोबारा से धोने के लिए डाल दिए, क्योंकि थोड़ी सी बारिश लग जाती है कपड़ों पर तो फिर खुजली स्टार्ट हो जाती है। दोबारा से पानी में एक बार निकालना, और मैंने थोड़ा सा हल्का सा सर्फ भी डाल दिया है कि चलो निकाल तो रही है, फिर भी स्मेल सी हो जाती है कपड़ों में। और यहाँ पर मम्मी तुलसा मैया की जो है सेवा कर रही है, सबसे बड़ी सेवा तो यहाँ पर चल रही है तुलसा माता रानी की सेवा। और मिट्टी को मतलब नुलाने, पौधे और इनको संभाल करके रखने। हाँ ये है ना, ये क्योंकि है ना मिट्टी में, ये नीचे वाली मिट्टी में होते हैं, जमीन की मिट्टी में होते हैं। मम्मी ने ये गमले में लगवा दिए, क्योंकि ये है ना, ये कह रही है मम्मी कहाँ लगाएं, ऊपर से छत पे से यहाँ पे पानी आता है, बीच में लगा नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ पे भी चारपाई डलती है जब मेहमान आ जाते हैं। तो अभी बस पौधों का बहुत ध्यान रखती है मम्मी। और वाणी का मुझे पीछे से आवाज़ लगा रही है, चलो उसको देख लेते हैं पहले क्या कर रही है। पहले तो बैठक में ये देखिए किस तरीके से काम फैला रखा है, तकिए भी एक साइड गिरा रखे हैं क्योंकि यहाँ पे लेटना हो रहा है इनका। और अब कीड़े लग गया है करेले में, कीड़े की सारी बेल हो गई है, ये देखिए पीले पीले पत्ते हो गए हैं। और मुझे लग रहा है ये निकालनी पड़ेंगे हमें, क्योंकि एक करेला तो ये आ रहा, एक करेला ये आ रहा, अब गिने चुने करेले रह गए। और छोटे छोटे तो बहुत सारे आ रहे, काफ़ी मात्रा में आ रहे, लेकिन जो बड़े हैं वे तीन ही करेले हैं। और एक करेला मैंने कल तोड़ के देखा था, इसमें तो उसके अंदर बिल्कुल कीड़े थे, तो ये तो इन पे स्प्रे करनी पड़ेगी। देखो छोटी छोटी मात्रा में तो बहुत बहुत करेले आ रहे हैं, ऊपर भी आ रहे हैं बहुत सारे, बेहिसाब आ रहे हैं। लेकिन या तो इन पर इस पर गंगा जल की स्प्रे करनी पड़ेगी, गंगा जल की स्प्रे कर ले मम्मी, और तो क्या करेंगे हम हैं, क्योंकि मट्ठा भी हमारे घर का नहीं होता है ना। और ये देखिए मम्मी, यहाँ पे मैंने लौकी का बीज बोया था, एक लौकी का है पता नहीं पेठे का है, और ये देखो पेड़ निकल गया इसमें। और ये एक्स्ट्रा पौधा निकाल देते हैं। और ये चिकनी मिट्टी हाँ चिकनी मिट्टी है, कन्नू वहां से भर के लाया था इसमें, वहां से प्लॉट में से, और मम्मी इसमें डाल रही पर मम्मी ने ये बॉक्स की जो है अच्छे तरीके से साफ सफाई कर दी है, मिट्टी मिट्टी में हो रहा था ना, ये काफी देर से लगी हुई है। और मैडम जी कर रही है ब्रश, ये पता नहीं कौन से समय का ब्रश है किस। बच्चे कन्नू ट्यूशन में पढ़ के आ गए हैं, कन्नू गया था किसी और के पास में, क्योंकि है ना इनको है ना किट्टू दीदी के पास नहीं जाना है, और किसी के पास भेज दो उनके पास चले जाएंगे। तो आज कन्नू ने अपना नया जोड़ा निकाला है, ये वाला सेट देखिए कैसा लग रहा है, ये निकाल लिया है घर में पहनने के लिए। तो मम्मी ये कह रही थी इसको उठा के रख दो, बड़ा हो रहा है, ये बड़ा है काफ़ी, तो अगले साल आ जाएगा। तो कन्नू ने तो खुद से पहन लिया, ये कह रहा कि मुझे सुंदर लग रहा है, मेरी बुआ जी लेके आई थी इस जोड़े को। तो सारे के सारे कपड़े भी फैला दिया है, ये देखिए कपड़े फैलाने के बाद में अब मैं लग गई थी प्रेस में, और प्रेस मैंने कर लिया सारे कपड़ों पे, अब कुछ कपड़ों पे कर लिया। जो आज के कपड़े हैं तो सूखेंगे नहीं क्योंकि लेट इतना हो गए, तो ये सारे के सारे जो कपड़े हैं तैयार कर दिए प्रेस करके। और पंखा चला रखा था, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है अभी भी, पंखा चलाने के बावजूद भी बहुत गर्मी है, क्योंकि प्रेस से जो गर्मी निकलती है वो तो निकलती है। तो दो सूट मेरे थे, कन्नू का था एक जोड़ा, और कन्नू ये क्या ले रहे हो आप, कन्नू के पापा के थे बहुत सारे कपड़े। क्या ले रहे हो कन्नू, ये क्या होता है, इससे क्या करते हैं सर, इसको
लड़की ठीक करती है जिसमें जंग लग जाते हैं। अच्छा, और आज आपको क्या क्या पढ़ाया गया है स्कूल में? एक अक्षर। एक अक्षर है बस? क्यों एक अक्षर क्यों? आपके तो 8th पीरियड होते हैं। आज प्ले प्ले पीरियड नहीं हुआ? प्ले वाला ना। गेम पीरियड। अच्छा, कल होएगा। कल होएगा वो, ठीक है। और कल भी नहीं, परसों। परसों होएगा, परसों भी नहीं। चलिए, कल कन्नू का है ना बहुत सारी एक्टिविटी कराई जाती है स्कूल में, और वो भी मैं आप सबसे शेयर करूंगी, क्योंकि कन्नू के अकेले की फोटो आ रही है उसमें, तो वो हम शेयर कर सकते हैं। और ये सारी की सारी शर्ट मैंने इस साइड डाल दी है। अपने जो गेट है, गेट पे से मैंने सारा सामान उतार लिया है। ये देखिए, बस इस पे ये पोलोथीन है, इसमें भी कपड़े नहीं है। इसमें मेरा कुछ क्राफ्ट का सामान है जो मैंने क्राफ्ट किया हुआ है अपने हाथों से। तो बस अब ये यहाँ पे सिंगवाना है और झाड़ू लगानी है। तो कन्नू अभी वेट कर रहा है काफ़ी देर से कि मुझे भी थोड़ी देर के लिए फ़ोन दिया जाए। और इसने ट्यूशन वाले बच्चे आ जाते हैं अब मेरे पास में, मैं उनको एक घंटे के लिए ट्यूशन पढ़ाती हूँ। 9th क्लास की लड़कियाँ हैं, उनको ट्यूशन के लिए कोई टीचर नहीं मिल रहा था, तो वे आ जाती है। तो उनको पढ़ाती हूँ मैथ और इंग्लिश और हिंदी, 3 सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, और फिर भेज देती हूँ 1 घंटे के बाद। तो कन्नू उनके पास बैठ के पढ़ लेता है, मैथ का होमवर्क तो कर ही लेता है, है ना। इंग्लिश का भी नहीं हूँ, एक अक्षर भी नहीं। एक अक्षर भी नहीं। और वो किसने किया है? क्या झूठ कितना बोलता है? झूठ तो इतना बोलता है बहुत ही ज़्यादा। तो रवि आ रहा है, तो मम्मी ये कह रही है कि आज कोफ्ते बना लो, काफ़ी दिन हो गए कोफ्ते बनाए हुए। और ये कह रही थी कि लौकी तो मत बनाना, तो लौकी लेकर के आ गई है ये। तो लौकी की सब्जी तो मना कर दी, कोफ्ते कह रही हैं हम। तो घर में सारी जगह साफ़ सफाई भी कर दी है, और बैठक में भी करी आई हूँ, उधर भी करी आई सारी जगह। और अब मुझे खाना बनाने की तैयारी करनी है। तो मम्मी ले आऊँ लौकी की सब्जी? और ये आज वाणिका ने सारा का सारा जो घर है वो तोड़ दिया था, तो मम्मी ने फिर से जोड़ दिया तो एक जंगला नहीं लग रहा था इसमें। तो कन्नू कहने लगा मैं लगाऊंगा इसको, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सेट होगा। तो इस तरीके से करते हैं बच्चे एक्टिंग बाजी पूरी की पूरी। यूनिफॉर्म धो करके मैंने यहाँ पे डाल दी थी जब सुबह धोई थी, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था ना, तो मुझे पहले ही पता था कि हाँ बारिश आ सकती है। तो मैं कपड़े बाद में उतारे लेते लेट, और कन्नू के पापा की ये नई शर्ट लेकर के आए। कलर भी अजीब सा लग रहा है, कॉटन की शर्ट है, वैसे तो अच्छी लग रही थी उनको पहन करके। रवि के कपड़े यहाँ पे रख दिए प्रेस करके, रवि का बैग यहाँ पे टंग रहा है। तो बस अब लौकी उठानी है और कोफ्ते बनाने हैं। ये लौकी लाई है, बहुत पतली पतली सी है, और टमाटर प्याज लहसुन सब चीज़ें काटेंगे अब दोनों सास बहू। तो सब्जी लेकर के आई हूँ मम्मी, और फिर से मम्मी कहने लगी हाँ बढ़िया ही निकलेगी लौकी। तो मम्मी चेक कर रही है क्या क्या सामान लेकर के आई, टमाटर ले आई, लहसुन ले आई, प्याज ले आई और लौकी ले आई। ये सब्जी कटेंगी और कटने के बाद में फिर बनेगी। हाँ खा लेगा, ये कह रहा था मार्केट से भी तो खाता हूँ मैं कभी कभी, खाना पड़ जाता है कभी कभी, नहीं भी मिलता बिना लहसुन प्याज के सामान, तो मैं बाहर जाके खा ही लेता हूँ। हाँ अभी अभी टंकी आने की आवाज़ आई है, मैं मोटर खोल के आई हूँ, लेकिन मोटर ने अभी पानी नहीं उठाया, थोड़ी देर में टाइम लग जाएगा पानी उठाने के लिए उसको। तो धीरे धीरे उठा रहा है। यहाँ पे पानी भरने के बाद में फिर ऊपर टैंक में भी जाएगा। मशीन में नहीं करने की मम्मी, बारीक बारीक काट दियो वो ही ठीक है बस। आरुषि भी आ गई है, आरुषि अपनी मम्मी की तारीफ कर रही है कि मेरी मम्मी ऐसे कोफ्ते बनाती है कि दुनिया में कोई नहीं बना सकता ऐसे कोफ्ते, इतनी तारीफ कर रही। मैंने कहा आज मेरे हाथ के खा के देखिए, तो कोफ्ते अपनी मम्मी के हाथ के भूल ही जाएगी। क्यों मम्मी सही नहीं कह रही? मैं खा के देखिए तू आज हमारे हाथ के कोफ्ते, ठीक है आ जाइए आज खाने के टाइम पे। वैसे भी सारे शाम के टाइम कोई नहीं खाना खाता, क्योंकि सब अपना फैट कम करने में लगे हुए हैं सबके सब। नहीं बना रहे, पापा ने दोपहर नहीं खाई थी। अच्छा, पापा ने सुबह किया था नाश्ता। अच्छा तो आज शाम के टाइम खाना बन रहा है। वैसे आप इसी अर के घर पर खाना शाम के टाइम बिल्कुल नहीं बनता है, क्योंकि सब डाइट पर चल रहे हैं। वो जो कार्तिक है वो भी जिम जाता है, अब इसी ने भी बंद कर रखा है शाम का खाना खाना, और इसकी मम्मी ने भी, और इसके पापा जब सब कोई नहीं खाता है तो वे वैसे ही नहीं खाते। अच्छा आलू गोभी बना रही है इसकी मम्मी, कोई बात नहीं। मम्मी ने लहसुन जो है छील दिया जितनी मात्रा में छीलना था, और मैं भी टमाटर धो करके ले आई। टमाटर
नहीं टमाटर भी हाँ बारीक बारीक काटूंगी टमाटर भी, ये भी वो नहीं करने की ज़्यादा मोटे मोटे वाले जो सेट हैं ये आए गए हैं, उनके ऊपर रखी जाएगी वो वाली प्लाई जो मैंने कल दिखाई थी। तो कन्नू और विभोर इनका जर उतारने लग रहा है, और जर उतारने के बाद में इन पे होगा प्राइमर, और फिर प्राइमर के बाद होगा पेंट। जब से आ रहे ना कन्नू ये देखो कितनी मेहनत कर रहा है, इतना छोटा होने के बाद भी इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई में मेहनत करोगे तो फिर ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या कह रहे हो कन्नू, करने की जरूरत है आपको मेहनत? अरे ये मैडम जूझू जूझू कर रही है, ये मैडम जूझू जूझू कर रही है, ये भी करेगी काम, ये भी काम करेगी। कपड़े गंदे हो जाएंगे, हाथ गंदे हो गए, हो गए बिल्कुल काले हो गए जर में। कन्नू आराम से करो, तो कद्दूकस कर दिया लोगी, और ये मम्मी ने लहसुन प्याज टमाटर भी काट दिया है, टमाटर हमें छील के काटते होंगे। तो बर्तन वर्तन साफ करके आ गई हूँ मैं, और बस ये सामान छिलवाना है और फिर सब्जी बनाना है। तो जी डाल लिया है तेल कढ़ाई में बबली दीदी की तरह, तो बबली दीदी वाकई में बहुत अच्छा काम कर रही है आज। इस बार आरुष के बर्थडे पर मतलब इसको प्रभु जी को खाना खिलाने गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे बोला था उन्होंने तुम भी चलोगी क्या, लेकिन कन्नू पापा का बिल्कुल भी टाइम नहीं था जाने का, तो कुछ ड्यूटी में ज़्यादा बिजी हो रहे हैं ये। अवानिका के बर्थडे में भी मुझे लग रहा है मुश्किल से छुट्टी मिलेगी, संडे को भी जाना पड़ रहा है आजकल तो ऑफिस में। तो ये देखिए मैंने फेस जो है तैयार कर लिया है, और बस कंसीड कर के।